जय श्री राम। पिछली वाली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से स्टार्ट करके बक्कल कैविटी में पढ़ना शुरू कर दिया था। बक्कल कैविटी में आपने सलाइवा पढ़ा है, टंग पढ़ी है, और बक्कल कैविटी में टीथ, ये तीसरा पार्ट है। टीथ के लिए हम बताते हैं, ये समझ लीजिए आप अपर जॉ, ये समझ लिया आप लोअर जॉ, ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, सामने फ्रंट पे, फ्रंट पे सामने वाले दांत, यहाँ पर चार दांत ऊपर चार नीचे कट करने के लिए। इंसीजर होता है नाम, एक कील की तरह का दांत होता है यहाँ पर, ये कील की तरह का दांत, लोअर जो में भी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर चार नाम कैनाइन। उसके बाद दो जाड़ की तरह के दांत आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दांत नहीं है। अभी प्रीमोलर बोलते हैं, और तीन लास्ट में परफेक्ट दांत जो फूड को मतलब मैस्टिकेट चबाने में हेल्प करती है। तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, इन्हें बोलते हैं मोलर। तो टोटल चार और चार आठ हो गए इंसिजर, एक दो तीन चार हो गए कैनाइन, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ हो गए प्रीमोलर, तीन छः नौ बारह, बारह हो गए मोलर। अब जब डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं इसका, हाफ करेंगे अपर जो का हाफ और लोअर जो का हाफ, ये इंटू टू है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर अपॉन इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, जितना ये है इतना एरिया, इतना ही ये भी होगा, तो इंटू टू। अब अपर हाफ में इंसिजर कितने हैं, टू, अपर हाफ में कैनाइन वन, प्रीमोलर टू, मोलर थ्री। अब लोअर हाफ में इंसिजर टू, कैनाइन वन, प्रीमोलर टू, मोलर थ्री इंटू टू। यहाँ पर मैथ बता लगाइएगा, टू वन थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव थ्रू एट, एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ना 32 टीथ हो जाते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो इस तरह से डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है, जो इसका फॉर्मूला ही होगा, टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री इंटू टू। उसके बाद परमानेंट टीथ जो सिर्फ एक बार आते हैं लाइफ में, मोलर होते हैं वो, तीन छ नौ बारह, और मिल्क टीथ मोलर को छोड़ करके सभी, मोलर कितने हो गए बारह, तो बचे कितने बीस। तो ये पूछा जाता है कई बार, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, परमानेंट सेट क्या है, टेम्परेरी सेट क्या है, या मिल्क सेट क्या है, 20 टोटल 20 32 ठीक है।
तो ये आपकी बक्कल कैविटी कंप्लीट हुई। अब एंटर करेंगे फेरिंग्स में। ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ पहुंच गए हैं? फेरिंग्स वाला एरिया, थ्रोट, गले वाला एरिया आ गया। इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे, देखिए यहाँ से ये फूड आ रहा है और नोज भी यहीं ओपन होता है, तो ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। तो हम इसमें इतना लिखेंगे, इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंक्स कंप्लीट। उसके बाद फूड पाइप या इजोफेगस। इजोफेगस में ये इतनी ट्यूब जो स्टमक में जाकर के ओपन हो रही है वो इसोफेगस है। इसोफेगस में वही काम चलता रहता है जो बक्कल कैविटी में चला है। सलाइवा मिक्स हो गया है, इनकम्प्लीट कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किलन हो रहे हैं, ये सब। उसके बाद स्टमक, अब स्टमक की बात सुनिए आप। स्टमक में जैसे ही फूड एंटर करता है तो उसे बोलते हैं, वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है HCL। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा यहां पर सीक्रेट होते हैं दो इनएक्टिवेट एंजाइम। पेप्सिनोजन और प्रोलिनिन। थर्ड म्यूकस। जो स्टमक की दीवार है इस स्टमक की दीवार से म्यूकस सीक्रेट होता रहता है हमेशा। इसी की वजह से ये HCL जो है ये इस स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं करता, क्योंकि स्टमक की वॉल से सीक्रेट होता रहता है म्यूकस। तो अगर म्यूकस का फंक्शन आता है HCL, उसमें स्टमक में क्या है, तो म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCL। ये म्यूकस का फंक्शन हो। HCL का फंक्शन क्या होगा? HCL इस एंजाइम को और इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोलिनिन रेनिन में कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से? HCL की हेल्प से। अब पेप्सिन क्या करेगा? फूड प्रोटीन जो है उसको इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट करेगा पेप्टोन्स में। रेनिन क्या करेगा? जो मिल्क की प्रोटीन है, जो आपने दूध पिया होगा, दही खाई होगी, पनीर खाया होगा, वो मिल्क प्रोटीन को भी पेप्टोन्स कह लो या प्रोटीन्स कह लो, दोनों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव फॉर्म है प्रोटीन की। अभी अमीनो एसिड नहीं बना प्रोटीन से, ठीक है? तो मैं बता रहा था HCL में क्या हुआ। HCL में म्यूकस सीक्रेट हुआ, म्यूकस ने HCL से स्टमक वॉल को बचाया डैमेज होने से। दूसरा सीक्रेट हुए पेप्सिनोजन और प्रोलिनिन। HCL ने क्या किया, इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया और इन एंजाइम्स ने मिल्क और फूड की प्रोटीन को इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया है या डाइजेस्ट कर दिया। एक और काम HCL का क्या है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से बक्कल कैविटी से बच जाते हैं तो वो स्टमक में आकर के किल हो जाते हैं। ये काम होता है स्टमक में। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ था? बक्कल कैविटी में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ है? स्टमक में। अब ये स्टमक हो गया है, अब यहाँ से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बता दें आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन जब शुरुआत करती है यहाँ से, डी शेप का जो पार्ट है उसे ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम
फिर इसका लॉन्गेस्ट पार्ट ये जो होता है सेंट्रल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये होता है इलियम। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये हो जाएगा जेजुनम। ड्यूडिनम, इलियम, जेजुनम, क्लियर है? तीन पार्ट में डिवाइड करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से आती है और ये आकर के ऐड हो जाती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन तरह के एंजाइम कहां कहां से आते हैं। फर्स्ट, लीवर सीक्रेट करता है बाइल, बाइल एक्यूमुलेट होता है गॉल ब्लैडर में जिसे पित्त बोलते हैं। फिर एक डायरेक्ट लीवर से ट्यूब आती है यार, एक गॉल ब्लैडर से आती है, दोनों मिलकर के एंटर करती है इस ड्यूडेनम में। तो क्या बन रहा है लीवर से, बाइल। बाइल में होते क्या है, बाइल सॉल्ट, और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट येलोविश होते हैं। जब ये बाइल पिगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डिग्रेड होते हैं, इस बाइल पिगमेंट की वजह से फीकल मैटर जो पोटी होती है उसका कलर येलोविश होता है, इस बाइल पिगमेंट की वजह से, बाइल पिगमेंट का। और बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट हमारे जो हमने फैट खाया है उस फैट को डाइजेस्ट करने में या इमल्सिफाई करने में हेल्प करते हैं बाइल सॉल्ट। ओके, पहली चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ गई, यहाँ से बाइल। दूसरा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी इसमें निकलेगा। पेनक्रियाटिक जूस। तीसरा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का भी सीक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। तो ये तीन तरह के जूस, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब वहाँ क्या होगा, देखिए अभी बकल कैविटी में क्या होता, स्टार्च माल्टोज में टूटा था, माल्टोज है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में पेप्टोन्स बनी थी प्रोटीन से इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होने के बाद। पेप्टोन्स थी और फैट का अभी कुछ नहीं हुआ, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ फैट। अब माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज, पेप्टोन्स या प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के लिए याद रखिएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है और ट्रिप्सिन को हम यूनिवर्सल एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये एनिमल किंगडम यानी कि पोरीफेरा से लेकर या प्रोटोजोआ से लेकर के हमारे तक हर एक इंडिविजुअल में मिलता है ट्रिप्सिन, इसलिए इसको यूनिवर्सल एंजाइम बोलते हैं। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल और लाइपेज एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस में सक्कस एंटेरिकस में हो सकते हैं। माल्टोज टूट जाएगा, ग्लूकोज, पेप्टोन्स, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड, इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये भी पूछा जाता है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्लियर है बात, पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। अब वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब भी यही होता है जो ब्लड में पहुँचना होता है इस फूड को। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को ये समझ लीजिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये,
और इसे हमने यहाँ कट कर दिया, कट करके हम इस तरह से देख रहे हैं ऊपर से, तो कैसे दिखाई देगी? ये इक्वेशन में इनर वॉल जो है वो अंदर की तरफ को फोल्ड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। तो फूड कहाँ है? इंटेस्टाइन में है, यहाँ ये फूड की डाइजेस्टिव फॉर्म है यहाँ पे, और फूड यहीं से इन विलाई में पहुँचता है। ये विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इस एक विलाई का अगर हम डायग्राम बनाएं, इस तरह से विलाई होती है, ये इंटेस्टाइन वॉल, यहाँ फूड के पार्टिकल, ये ब्लड वेसल। इन ब्लड वेसल में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये फूड जो यहाँ पे पड़ा हुआ था इनमें एंटर कर लेता है। इस तरह से डाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके थ्रू? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू, जिनका नाम है विलाई। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट भी हो गया और एब्जॉर्ब भी हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है वहाँ पे एक वर्मी फॉर्म होती है, कीड़े की तरह वर्मी फॉर्म, उसे बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर पूर्वजों में फंक्शनल थी, यहाँ से एंजाइम निकलता था सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम जब हमारे पूर्वज हर्बीवर्स हुआ करते थे, घास खाया करते थे, तब सेलुलेज एंजाइम उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था, जिसकी वजह से प्लांट की सेल वॉल बनती है। लेकिन अब इसका फंक्शन नहीं था। अगर यहाँ से फूड किसी तरह से वहाँ पहुँच जाता है, ऐसे तो वैसे नहीं पहुँचता, लेकिन अगर वहाँ पहुँच जाता है तो उसका डाइजेशन नहीं होगा और वो वहाँ पर सड़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेशन के थ्रू से कट करके अलग करना पड़ता है। खैर, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है फूड, अब डाइजेशन तो सब कुछ हो चला, अब वाटर बचा है। अब यहाँ से जितना फूड आगे तक चलता जाएगा वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है और फाइनली वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो जाकर के रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। रेक्टम में जब पूरी तरह से रेक्टम भर जाता है तो प्रेशर के थ्रू जो पोस्टीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की एंट्री ओपनिंग ये थी जिससे एंटर किया था फूड, और पोस्टीरियर ओपनिंग ये होगी जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, ये एनस के थ्रू बाहर कर देते हैं। ये पूरा सिस्टम था। अब बात करते हैं माउथ में जो फूड था, फूड पेस्ट उसे हम बोलते हैं बोलस। उसके बाद वही फूड पेस्ट यहां पहुंचता है और यहां HCl है, तो एसिडिक फूड पेस्ट इन स्टमक उसे बोलते हैं काइम। उसके बाद फूड यहाँ से पहुँच करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पे एल्कलाइन फ्लूड भी सीक्रेट होते हैं, उसे बोलते हैं काइल। ठीक है, माउथ के अंदर का फूड पेस्ट बोलस, स्टमक के अंदर का फूड पेस्ट काइल, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पेस्ट काइल। ये क्लियर हुई बात। लीवर का काम क्या है? लीवर एक केमिकल फैक्ट्री हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी के लिए सेल्स के लिए जितने भी केमिकल्स जरूरी होते हैं वो उनका प्रोडक्शन करता है। सारे ड्रग्स जो हम खाते हैं या दवाइयां जितनी भी खाते हैं उनका डाइजेशन भी स्टमक में, उसमें लीवर में ही होता है। और जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल इंटेक करते हैं लोग, उसका डाइजेशन भी लीवर में ही होता है। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं हम अपनी बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड। क्यों है ग्लैंड? क्योंकि बाइल सीक्रेट करता है और ये बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, इमरजेंसी में ब्लड बनाता है, और जो इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे उनमें तो ब्लड का फॉर्मेशन यही होता है। विटामिन स्टोर करके रखता है, मिनरल स्टोर करके रखता है, वाटर स्टोर करके रखता है। तो हम कह सकते हैं लीवर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द बॉडी।
ये आपका पूरा डाइजेशन हुआ है, ठीक है। हेल्प किस चीज़ में की? डाइजेस्टिव ग्लैंड में। कौन सी चीज? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। ये हो गया पूरा डाइजेशन। अभी टेंथ लेवल पे अगर बात करें तो इतनी बात हो गई, लेकिन अगर हम और बात करें, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स भी खाई होगी, और वेजिटेबल्स में क्या है? सेल्स। और सेल में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड टूट जाता है न्यूक्लियस के थ्रू, किसमें, किससे बनाता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो टूट जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोटाइड टूटेगा न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड टूटेगा न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से शुगर में और नाइट्रोजिनस बेस में। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन हो जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर से कर रहे हैं, माउथ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी में पहुंचता है फूड, फिर बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही करना है आपको, तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ आपको इनकी सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज के बारे में भी लिखना होगा। पेनक्रियाज के बारे में बताते हैं, पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि पेनक्रियाज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी सीक्रेट करता है, प्लस एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो इंसुलिन एंजाइम निकलता है, वो इंसुलिन एंजाइम भी पेनक्रियाज से निकलता है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है, इसलिए इसको इस कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड या हेटरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर कोई इससे रिलेटेड या कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप आइए कमेंट बॉक्स में और पूछिए, आपके कमेंट पढ़े जाएंगे और सॉल्यूशन भी जल्दी होगा। हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आइए प्लीज़। थैंक यू। जय श्री राम।